दम पर जो पाया मान तेरा वो झूठा है, सीना तान के बात करे अभिमान तेरा ये झूठा है, स्वार्थ से सब करते हैं सम्मान तेरा ये झूठा है, झूठ की नैया से मत सागर कोई नहीं तरा, इतना मत इतरा रे पप्पू इतना मत इतरा। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के नौ सिखिए बड़ बोले अधेड़ युवा अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने आज एक बड़ा नाटक करने की कोशिश जारी रखी है दिल्ली के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की, जिसमें आज राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की है और उस इस्तीफे के बाद पूरी तरीके से कांग्रेस का पुराना नाटक एक बार फिर शुरू हो गया है। पहले प्रियंका ने उसको मनाने की कोशिश की, उसके बाद मनमोहन सिंह ने मनाने की कोशिश की, एके एंटनी ने मनाने की कोशिश की, वेणुगोपाल मनाने की कोशिश की, उसके बाद सोनिया ने मनाने की कोशिश की और अब पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बारी बारी से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रही है कि वो इस इस्तीफे को वापस ले लें, जबकि हकीकत ये है शाम तक ये इस्तीफा वापस ले लिया जाएगा क्योंकि वर्किंग कमेटी उसको रिजेक्ट कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब देश की जनता को और कांग्रेस के जो जमीनी थोड़े बहुत बचे हुए कार्यकर्ता हैं, अंध चाटुकारिता से जो वशीभूत हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश की है कि राहुल गांधी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने की कोशिश की थी लेकिन वर्किंग कमेटी ने उस बात को खारिज कर दिया। मैं आपको 2014 का एक किस्सा याद दिलाता हूं कि जब सोनिया गांधी की बहुत बड़ी हार हुई थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो तब भी यही नाटक हुआ था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वही पुराना नाटक हुआ। चाटुकारों और चमचों ने उनके प्रशस्ति गान किया, तमाम दलीलें दी और उसके बाद सोनिया गांधी ने चुपचाप अपना इस्तीफा वापस ले लिया। आज भी वही हो रहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कह रही है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं हारे हैं बल्कि पूरी पार्टी चुनाव हारी है, पूरी लीडरशिप चुनाव हारी है, इसलिए राहुल गांधी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, हम उनका इस्तीफा खारिज करते हैं। अब आप देखिए कि इस पार्टी में जो नेता कहे जाते हैं या जो बड़े बड़े अहदेदार हैं वो किस कदर इस कुनवे की भक्ति में लीन है, इस कुनवे के प्रति कितने बड़ी चाटुकारिता में लीन है कि आज जब उस कुनवे का एक व्यक्ति नाटक कर रहा है इस्तीफा देने का तो वो उसको स्वीकार न करने की बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो बचे कुछे लीडर हैं उनको ये लगता है कि अगर गांधी परिवार की बैसाखी उनके पास नहीं होगी तो वो किसी भी सूरत में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी में अभाव हो गया है माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट जैसे नेताओं का। माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट दोनों के ही बेटे कांग्रेस पार्टी में अच्छे पदों पर हैं लेकिन वो भी आज दम नहीं दिखा पा रहे, वो भी विरोध नहीं कर पा रहे। कोई भी नेता आज वर्किंग कमेटी में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राहुल गांधी की अध्यक्षता में अगर हार हुई है तो अध्यक्ष बदला जाना चाहिए। वो सब के सब एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, हमें गांधी परिवार ही बचा सकता है। लेकिन कैसे बचाएगा ये गांधी परिवार, ये भी उन्हें सोचना चाहिए कि आज कांग्रेस 52 सीटों पर आई है केवल पूरे देश में, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब रही हैं। किसी भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 20 सीटें नहीं जीत पाई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश जैसा 80 सीटों वाला प्रदेश हो, बंगाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में भी बहुत कम सीटें हैं, केरल में जरूर उनको 18 सीटें मिली है, इसी से वो अपनी जो गिनती है उसको 52 तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। पिछली बार वो 44 पे थे, इस बार 52 पे हैं। लेकिन अगर केरल में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार का जो उनका प्रदर्शन था उससे भी पीछे चली जाती और ये ऐतिहासिक होता, क्योंकि 44 जो इनकी सीटें हैं वो अब तक की सबसे कम सीटें हैं। कांग्रेस के पास प्रश्न ये भी है कि अब उनको पिछली बार की तरह नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिलेगा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस बार भी नरेंद्र मोदी सरकार उनके ऊपर कोई रहम करने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में कहा करते थे
कि कांग्रेस के जो युवराज हैं, जो शहजादे शहजादी हैं, वो ख्वाब तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन देश की जनता क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष का लायक भी मानती है या नहीं। और इस पर देश की जनता का जवाब ये है कि वो कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी देना नहीं चाहती। यही वजह है कि पूरे देश में 542 सीटों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस की जो संख्या है वो 52 पर जाकर अटक गई है, जबकि प्रतिपक्ष नेता पद पाने के लिए उनको 54 सीटों की जरूरत थी। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी हार है गांधी नेहरू फैमिली की, ये बहुत बड़ी हार है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका वाड्रा की, मनमोहन सिंह जैसे लोगों की, और हार ये उन बड़बोले जोकरों की भी है जो राहुल गांधी की चाटुकारिता चमचागिरी में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गालियां तक देने पर उतर आए थे, उल्टी सीधी बातें करने लगे थे, उनके परिवार पर कटाक्ष करने लगे थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम था सिद्धू का, नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरे देश में करीब 120 रैलियां की, और जो पुरानी कहावत है कि जहां जहां कदम पड़े सिद्धू के वहां वहां कांग्रेस की हार हुई। सिद्धू ने जहां जहां अपने कुतर्क और कड़वी बातों से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, उन सारी जगहों पर कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस देश की जनता ने बता दिया कि जनता सर्वोपरि है, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, जनता जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। और इसको राहुल गांधी ने भी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद स्वीकार किया था कि हम जनता के इस फैसले को मानने के लिए मजबूर हैं और मानेंगे, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है। लेकिन सिद्धू जैसे लोग इस बात को नहीं मानते। सिद्धू ने एक और बड़ा दावा किया था कि अगर अमेठी से राहुल गांधी हारेगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेगा। इसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से ट्विटर के ऊपर लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं सिद्धू को, और पूछा जा रहा है कि सिद्धू राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं। इसी बात पर दबाव सिद्धू के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी है, जो अड़े हुए हैं कि अब सिद्धू को उनके मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, क्योंकि सिद्धू की वजह से पंजाब में हम कई सीटें हार गए, और पंजाब ही नहीं देश के तमाम शहरी इलाकों में नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों की वजह से, उसके कर्मों की वजह से, उसके कुकर्मों की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो निश्चित तौर पर सिद्धू की और उन तमाम चमचों की बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें राहुल गांधी की भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी पिछले 6 महीने से पूरे देश के लोगों के अंदर एक गुस्सा भर दिया था। वो बार बार देश के प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाया करते थे और हर जगह नारे लगवाया करते थे चोर चोर के, जिसके ऊपर तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर CAG तक स्पष्ट कह चुके थे कि राफेल डील में कोई घपला नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ तक कह गए थे कि अगर हम वापस आएंगे तो हम राफेल डील को ही कैंसिल कर देंगे। अब आप सोचिए कि देश की सेनाओं के ऊपर क्या बीतती होगी, देश की वायुसेना के ऊपर क्या बीतती होगी, और क्या बीतती होगी उन अर्धसैनिक बलों के परिवारों के ऊपर जो सबके सब इंतजार कर रहे थे कि भारत की वायुसेना को राफेल जैसा आधुनिक तकनीकी का विमान मिलना चाहिए। उन सबको डर था कि कहीं ये बड़बोला नौसिखिया अधेड़ युवा आ गया सत्ता में तो हमारे देश की हालत क्या हो जाएगी। यही वजह थी कि देश की जनता ने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए इस कांग्रेस पार्टी को वापस नहीं आने देंगे, कांग्रेस पार्टी को धूल चटा कर रहेंगे। और यही वजह थी कि कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में ज़्यादा सीटें नहीं मिली। और ये निश्चित तौर पर देश की जनता की जीत है, देश की उस सत्ता की भी जीत है जो पिछले 7-5 साल से इस देश में काबिज थी। नरेंद्र मोदी की सरकार की भी जीत है कि इतने ज़्यादा दुष्प्रचार के बाद भी, इतनी ज़्यादा झूठे प्रचार के बाद भी उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और उसके पीछे कारण ये भी था कि आचार्य चाणक्य ने, जिन्हें अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, वो उन्हें काफ़ी पढ़ते हैं, उनकी नीतियों को अपनाते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि दुश्मन जब गलती कर रहा हो तो उसको कभी टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और इसको लेकर जब राफेल पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था तब हमने भी कहा था
कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह राफेल के ऊपर राहुल के सवालों का, राहुल के आरोपों का जवाब केवल इसीलिए नहीं दे रहे कि वो चाहते हैं कि राहुल गलती करते रहें और देश की जनता बाद में फैसला करेगी कि जो गलत है, जो झूठा है, जनता उसको कभी नहीं चुन सकती। और जनता ने वही किया, राहुल की गलती ही उनके लिए सबसे बड़ी कारण बनी हार का। और नरेंद्र मोदी या हो, अमित शाह हो या पूरी भाजपा हो, उसने चाणक्य की उस नीति को अपनाकर राहुल गांधी को गलती करने से न तो रोका और न टोका। राहुल गांधी हदें पार कर गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जब इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, उसके बावजूद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को ही आधार बनाकर गलत तरीके से एक बात कही कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। राहुल को 4 बार इस मामले में माफी मांगनी पड़ी, जो कि देश की जनता के सामने ही था। अभी ट्विटर पे एक हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, कांग्रेस बचाओ राहुल हटाओ। पहले सिद्धू से पूछा जा रहा था सिद्धू कब छोड़ेगा, और अब ये जो है देश की जनता केवल चुनाव से ही तसल्ली में बैठने वाली नहीं है। जनता अब हर बात का हिसाब मांग रही है, और यही वजह है कि आज ट्विटर पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है कांग्रेस बचाओ राहुल हटाओ। निश्चित तौर पर ये जनता जो इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है, लोग जो जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, वो भारत की राजनीति के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है कि लोग अब एक बात को सुनकर बैठते नहीं हैं, बल्कि प्रतिक्रियाएं देते हैं और बदलाव की कोशिश भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला का कहना है कि राहुल गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया है, ये खबर झूठी है। अब आप देखिए कि सभी चैनलों पर, सभी अखबारों में इस्तीफे की पेशकश की बात आ गई, और उसके बाद किस तरीके से सुरजेवाला की ये जो टिप्पणी है वो उन सभी न्यूज चैनलों ने जो आज ब्रेकिंग करके दिखा रहे थे कि CWC की मीटिंग में राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, उसको झूठा साबित कर दिया है। इसको अब क्या कहा जाएगा? कांग्रेस पार्टी अपनी ही बातों से मुकर रही है, और नेहरू गांधी परिवार के इस शहजादे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये इस सुरजेवाला के वक्तव्य से पता चलता है। क्योंकि सभी चैनलों पर ये ब्रेकिंग चल रहा था कि CWC की मीटिंग में राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, वही दूसरी तरफ CWC पूरी तरीके से इसको खारिज कर रही है, वो स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने, एंटनी ने और वेणुगोपाल ने, प्रियंका वाड्रा ने इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से सुरजेवाला का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, उससे पता चलता है कि अब इस पार्टी का कोई धना धोरी नहीं है। इस पार्टी को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरह से मर चुका है। एक परिवार के सामने पूरी पार्टी नाक रगड़ रही है, और जिस तरीके से गिड़गिड़ा रही है उससे तो यही लगता है कि बाकी जो परिवारवादी पार्टियां हैं उससे भी ज़्यादा भयानक तौर पर परिवारवादी और खानदानी चंगुल में फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय भारत।